Subscribe to Puran Vlogs and press the bell icon so that you never miss any video. दी हाँ वो कुछ कहना था आपसे आपसे वाह भाई इतनी इज्जत पैसे चाहिए थे क्या भिखारियों से नहीं मांगता मैं पैसे हाँ अब आया ना लाइन पर बोल क्या हुआ नहीं वो कल तेरी शादी है ना तो कल तो तू चले जाएगी फिर बोल नहीं माँ के जाने के बाद मुझे नहीं पता देख तूने मुझे कैसे संभाला है कैसे नहीं कल के बाद सब कुछ बदलने वाला है मैं किसे टीवी रिमोट के लिए लड़ा करूंगा कौन मेरी शर्ट टी शर्ट पहन के घुमा करेगा किसके मैं बाल खींचा करूंगा हाँ मानता हूँ तेरी मेरी बहुत लड़ाई हुई है मैंने तुझे बहुत बार रुलाया है पर कसम से अगर तेरी आंख में एक भी आंसू किसी और की वजह से आए ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मैंने तेरे को कभी नहीं बोला पर आई लव यू मुझे याद है तेको मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लेकर आए थे हाय अब तो शादी हो गई ना तेरी वो तो होनी थी जिस हिसाब से तेरी शक्ल है ना वैसे कसम से मुझे लगा नहीं था तेरे से कोई शादी वादी करे रुक जा तेरी तो मार मत मजाक करो यार याद आती तेरी बहुत ज्यादा मुझे नहीं मम्मी और पापा को तेरे जाने के बाद अब बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं खाना भी बनाना सीख लिया मैंने कभी कभार मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो मैं बना देता हूँ अच्छा हाँ और ये टीवी के रिपोर्ट के पीछे भी अब किसी से लड़ाई नहीं होती है मेरी शर्ट टी शर्ट भी ऐसी बनी रहती है और रात को घर जल्दी आना स्टार्ट कर दिया मैंने क्यों क्योंकि तेरी तरह कोई 11 बजे तक जागता थोड़ी है मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए तूने रुलाना है मेरे को अचल तूने वो बात बताई जीजू को कौन सी अरे भाई क्या इधर कितने को मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए थे बताया रुक जा मेरी चप्पल कहाँ है आई मिस यू क्या है तू रो रहा है नहीं मैं प्याज काट रहा था अच्छा ऊपर देख क्यों रो रहा है भाई बता तेरे जाने के बाद ना तेरी शादी के बाद ना सब कुछ बदल चुका है नहीं लगता यार मन मैं नहीं बता पाता बट आई रियली लव यू एंड आई मिस यू आज भाई दूज है आज तू घर पे नहीं है कल रक्षाबंधन होगा कल तू फिर घर पे नहीं होगी परसों मैं मर चुप एकदम चुप मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना कल को तेरी भी शादी होगी तेरी वाइफ भी तो अपनी फैमिली को छोड़ के आएगी है ना तो ऐसे ही सबको एक दिन जाना होता है फिर भी यार चुप कर अब कल आ रही हूँ ना मैं पक्का हाँ सुन कल ना तू गिफ्ट लेकर आई है मेरे लिए बहुत रक्षाबंधन पे तूने मेरे से गिफ्ट ले ली ना अब तेरी बारी अब तू लेकर आएगी ज्यादा हंस मत चल चल सबको पता चल चुका देखो मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था हाँ मिल गया बात करने को अब आपको टाइम नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिजी थी थोड़ा चलो कोई नहीं इट्स ओके बड़ा खुश है काम वाली बाई रख ली क्या इतने अच्छे भी दिन नहीं आए तेरे जाने के बाद मुझे ही करने पड़ते हैं सारे के सारे काम ओ फिर क्यों खुश है नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई क्या सच्ची हाँ। चल झूठा शक्ल देखी तूने अपनी शक्ल देख के प्यार हो तो होता ना तो तेरी तो शादी भी नहीं होनी थी हो चल नाम तो बता दे मैं नहीं बता रहा क्यों नहीं सब कुछ अभी बता दूंगा तो पार्ट 5 के लिए क्या बचेगा फिर मेरा बर्थडे आ रहा है वैसे गिफ्ट देने का सोचा है कुछ हाँ सोच लिया क्या एक बड़ा सा डब्बा कौन सा वाला वो वाला जहाँ से देखो उठा के लाए थे मतलब अरे वही क्या कचरे का डब्बा तेरी तो सॉरी सॉरी अरे मैं तो भूल गया था तेरे को तो मंदिर की सीढ़ियों से उठाया क्या कुछ नहीं रुक जा तू कब आ रही है मिलने के लिए बहुत जल्दी बाय हो गया बहन से बात करने का टाइम नहीं मिलता नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है वो एक्चुअली मेरी जॉब लग गई ना तो बस वही कांग्रेचुलेशन किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन था ठीक से मम्मी आपस से बात करने का ठीक से सोने का ठीक से खाना खाने का टाइम तक नहीं मिलता देखो पता ही है तेरे जाने के बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पर आ गई और तू कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशन बाबा इट्स ओके नहीं क्या इट्स ओके क्यों हो गए यार हम इतने बड़े देखो याद है बचपन में हम कैसे एक दूसरे रिमोट के लिए लड़ा करते थे और तू पापा पापा कह के बेफालतू में मुझे पिटवा दिया करती थी यार जैसा भी था जो भी था एक हैप्पी लविंग फैमिली तो थी ना और आज तू कहां 200 किलोमीटर दूर और मैं मुझे खुद को नहीं पता मैं कहां पर हूं वैसे कभी कभी लगता है ना एक बुरे सपने की तरह अभी नींद खुलेगी और वही बचपन जैसे एक दूसरे के बाल खींचेंगे शर्ट के लिए लड़ा करेंगे पर नहीं यार ये तो हकीकत है आ रही हूँ मैं जल्दी मिलने भाई क्या है नाराज है
तूने आना था ना मिलने के लिए। सॉरी ना भाई, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत अभी ठीक है? नहीं है, दवाई लेने ली। मैंने तेरे को मना करा था बाहर का खाने से, लेकिन नहीं, मेम साहब को तो चिल्ली पटेटो चाहिए विद एक्स्ट्रा स्पाइसी, भैया थोड़ा सा क्रंची और कर देना। मैंने तेरे को सुन सुन तो इतना प्यार। अबे चल, कोई प्यार व्यार नहीं है। अच्छा जी, जॉब कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। और गर्लफ्रेंड? वो तो चलते चलते काफी आगे निकल गई। मतलब ब्रेकअप हो गया। क्यों? कह रही थी मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा, मुझे खुद को आधा घंटा मिलता था जिसमें तो मम्मी आपस से कम उससे ज्यादा बात होती थी और उसमें भी लड़ाइयाँ। अब तो खुद पता, मैं तेरे को टाइम नहीं दे पा रहा इसका मतलब ये थोड़ी ना तू मुझे छोड़ के चले आएगी। सॉरी, तू तो मुझे ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी है। मैं छोड़ के नहीं गई हूँ यार, आई मिस। अच्छा ठीक ठीक, रो मत, आई मिस यू टू, आई मिस यू टू। तू नहीं मिलने आ पाई तो क्या हो गया? मैं आ जाऊंगा मिलने को, तेरी फेवरेट चीज लेकर आऊंगा। क्या? अरे वही जो तू हमेशा लगाती थी, परफ्यूम। झाड़ू? हाँ। Trap money penny.